أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से सूरह मतलब जुज अम्मा शुरू रहा है हमारा 30th पारा, और उसकी पहली सूरह है सूरह नंबर 78 अन्नबा। एक होती है खबर, एक होती है नबा। खबर का मतलब होता है एनी न्यूज, कोई भी न्यूज, लेकिन नबा का मतलब होता है ब्रेकिंग न्यूज, वो खबर जिसके अंदर कोई क्या है जबरदस्त बात है, बहुत बड़ी खबर है, उसको कहा जाता है नबा। और ये अन्नबा कहा गया है, ये कौन सी बड़ी न्यूज है, कयामत की न्यूज, उसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अन्नबा कहा है। अच्छा, अब सेम मतलब जो टॉपिक है जो अल मुरसलात का था, वही बिल्कुल सेम टॉपिक है इस सूरे का भी, और बिल्कुल मिलते जुलते पैराए में बयान की गई है दोनों सूरे। इसका भी पहलू जो है इंजार का ज्यादा है, यानी डरावा ज्यादा है, वार्निंग ज्यादा है अल्लाह सुबहाना तआला ने दी है। अलबत्ता नेकोकारों के बारे में भी जिक्र किया गया है और मुजरिमीन के बारे में भी बयान किया गया है, लेकिन जहन्नम और आखिरत को ज्यादा फोकस किया गया है। ठीक है, तो इसके अंदर हुआ ये था कि मुशरिकाने मक्का जो थे, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कयामत के मुतालिक बयान किया और तबलीग की बारे में, कयामत के बारे में बताया, तो सबके अंदर बहुत सारे इख्तलाफात हो गए, यानी आपस में बहुत सारी चेमगोइयां, बहुत सारे डिस्कशन शुरू हो गए। कयामत कैसी होगी, होगी भी क्या नहीं होगी, ऐसे कैसे मुमकिन है कि कयामत हो जाए, हमने तो आज तक नहीं देखा, हमारे बाप दादा तो आज तक जिंदा नहीं हुए हैं, और कहाँ से पोर पोर जोड़ दिए जाएंगे, हम तो सब बोसीदा हड्डियां हो जाएंगे, हम तो बिखर जाएंगे, हम तो मिट्टी हो जाएंगे, इनसे कहो के क्या करें, कयामत अब लाकर दिखाएं। ये सारी आपस में क्या चल रहे थे, डिस्कशन चल रहे थे। उस डिस्कशन का, उन जो चेमगोइयां हैं उनका जवाब से बात शुरू हो रही है। ठीक है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो जो वहां पर सिना, वो जो वहां पर पसे मंजर में जो बातें चल रही हैं काफिरों के दरमियान, मुशरिकों के दरमियान, उसका जवाब अल्लाह सुबहाना ताला इस सूरे के आगाज में दे रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम के साथ, अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान बार बार रहम फरमाने वाला है। अम्मा यतसाअलून, अन प्लस मा, अन से मा, जो उससे जो या उसके बारे में जो, अन के दो तर्जुमे होते हैं, अन का एक तर्जुमा होता है बारे में मुतालिक, और अन का एक तर्जुमा होता है से फ्रॉम, तो फ्रॉम नहीं है यहाँ पर, अबाउट का तर्जुमा है। ठीक है, अन मा, मा यानी क्या, क्या बारे में यानी किस बारे में, यतसाअलून या वो वाउनून सब, तसाअला, सअला का मतलब होता है सवाल करना, तसाअला का मतलब होता है आपस में एक दूसरे से सवाल करना, क्या बारे में, किस बारे में वो सब आपस में सवाल कर रहे हैं। अनिन नबाइल अजीम, अल्लाह सुबहान ताला फरमा रहे हैं अन नबा, देखें ऑलरेडी वो नबा बड़ी खबर होती है, ब्रेकिंग न्यूज होती है, अल्लाह ने अल अजीम लगाया, बहुत बड़ी खबर के बारे में वो क्या कर रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं, आपस में सवालात कर रहे हैं एक बहुत बड़ी खबर के बारे में। अब वो खबर कैसी है, अल्लज़ी हुम फीही मुख्तलिफून, अल्लज़ी वो जो हुम वो सब, फीही उसमें, मुख्तलिफून इख्तलाफ में पड़े हैं, इख्तलाफ करने वाले हैं, मतलब उनका आपस में एक राय बन ही नहीं पा रही है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, और उस खबर के बारे में, उस बड़ी खबर के बारे में वो सब इख्तलाफात कर रहे हैं। कल्ला, हरगिज़ नहीं, सयालमून, सा अन करीब या वो वानो सब इल्म रख लेंगे, जान लेंगे, अन करीब वो जान लेंगे, अल्लाह ने फरमाया ये जो जितनी भी तुम्हारी इख्तिलाफ की बातें हैं हरगिज नहीं उसका कोई माना है, उसमें से एक भी बात ऐसी नहीं है जो तुम कर रहे हो, हरगिज नहीं, अन करीब तुम्हें मालूम हो जाएगा, तुम्हें खबर हो जाएगी, जब वो आ जाएगी तो तुम उसको देख लोगे। कल्ला, हरगिज नहीं, इस बात को क्या किया, रोक दिया अल्लाह ने, जो तुम बातें कर रहे हो आपस में, हरगिज नहीं, अन करीब, यहाँ पर फिर क्या है, एक पॉज है, एक कॉमा है, फिर यहाँ से दूसरी बात शुरू हो रही है, अन करीब वो सब जान लेंगे, उन सबको इल्म हो जाएगा। सुम्मा कल्ला सयालमून, सुम्मा फिर, कल्ला हरगिज नहीं, सयालमून फिर स्टॉप, सयालमून अन करीब वो सब जान लेंगे। अलम नजअलिल अर्दा, अल्लाह ने यहाँ पर बात मुकम्मल की कि यकीनन वो सब उस कयामत के दिन को जान लेंगे जब अपनी आंखों से देख लेंगे। अलम नजअलिल अर्दा मिहादा, क्या लम नहीं, नून हम, जाला बनाया, क्या नहीं हमने बनाया, अल अर्दा जमीन को, मिहादन महद, क्रेडल बिछौना, बिछौना, क्या नहीं हमने बनाया जमीन को, बिछौना मतलब रहने की जगह,
वल जीवाल औतादा, वह और अलजिबाल जिबाल को औतादा मीखे, ये बतद औताद कहा जाता है पेग्स को, स्टेक्स को, जो स्टेक्स होते हैं पेग्स होते हैं वो जो अभी हमने आपको बताया जो मीखे होती हैं जिनको गाड़ दिया जाता है जमीन में, तो रवासी भी ठहरे हुए होते हैं और औताद कहा जाता है पेग्स को जो के गड़े हुए मीखे होती हैं, कीले 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 जमीन में, जैसे पहाड़ों को क्या कर दिया अल्लाह ने, गाड़ दिया ताकि वो जमीन हिले नहीं, तो अल्लाह ने पहले जमीन को बिछा दिया, देन उसके ऊपर पहाड़ रख दिए ताकि वो जमीन पहाड़ में जैसे कीले गाड़ के उसको रोक दिया ताकि क्या हो जाए वो हिले नहीं। क्या नहीं हमने बनाया जमीन को बिछौना और पहाड़ों को औताद मीखे यानी कीले, व खलकनाकुम, व और खलका पैदा किया ना हमने कुम तुमको अजवाजन जोड़ों में, और हमने पैदा किया तुम सबको जोड़ों में, वजअलना नौमकुम। अच्छा यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, इससे पहले हमने जो सूरों में पढ़ा था कि हमने उनके भी जोड़े बनाए जिनको तुम जानते हो, तुम्हारे मवेशियों के भी बनाए, तुम्हारे भी बनाए और उनके भी बनाए जिनको तुम नहीं जानते। इसका मतलब दुनिया की हर चीज जुफ्त है, इवन नंबर में है, हर चीज जोड़े में है सिवाय अल्लाह रब्बुल इज्जत के। अल्लाह की जात वित्र है, अल्लाह की जात एक है, तो अल्लाह के अलावा दुनिया की तमाम मखलूकात, हत्ता के दिन रात, सूरज चांद और सुबह शाम, ये सब भी क्या है, जोड़ों में है। तो अल्लाह ने फरमाया पैदा किया है हमने तुम सबको अजवाजन जोड़ों में, पाउज यानी जोड़ा बनाकर, और पैदा किया हमने तुम सबको जोड़े जोड़ा जोड़ा बनाकर, वजह अल्लाह नौमकुम सुबह था, वाह और जो अल्लाह बना दिया ना हमने नौमकुम, नौम नींद, नौम यानी अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नौम इज व्हाट, नींद, और बना दिया हमने कुम तुम्हारी नौम नींद को, तुम्हारी नींद को सुबह था आराम का जरिया, सब्त सब सब्त डे, सब्बत क्या होता है, सैटरडे ना, सैटरडे को आप क्या करते हैं, वीकेंड मनाते हैं, छुट्टी करते हैं ना, आराम करते हैं, तो अल्लाह ने उसी से कहा और बना दिया हमने तुम्हारी नींद को आराम का जरिया, वजअलना लैला लिबासा, और जाला बना दिया हमने अल्लैला रात को लिबासा, लिबास लिबास कैसे, जैसे के हाँ के जैसे लिबास इंसान के ऊपर होता है वैसे वो पूरी दुनिया पर चढ़ जाती है, इंसान जब लिबास पहन लेता है तो उसकी सारी चीजें ढक जाती हैं, उसी तरह से जब सारी दुनिया पर रात छा जाती है तो उसका हर चीज क्या हो जाती है, ढक जाती है, पोशीदा हो जाती है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप रात में नहीं देख सकते, क्यों, ऐसा समझ लें कि उसके ऊपर रात का लिबास चढ़ गया इसलिए आप उसको नहीं देख सकते, और बना दिया हमने तुम्हारी नींद को आराम का जरिया, और बना दिया हमने रात को लिबास, लिबास यानी के एक एक किस्म के एक चादर जैसा बना दिया, हाँ जी कपड़ा, वजअलना नहारा माशा, वह और जाला बना दिया ना हमने अन्नहारा दिन को, माशा लाइवलीहुड माशियत का जरिया, कमाई का जरिया, रोजी रोटी का जरिया, वह बनाई ना फौकुकुम सबअन शिदादा, वह और बनाई बनाया ना हमने फौका ऊपर कुम तुम्हारे, और बनाया हमने तुम्हारे ऊपर, फौका का अपोजिट क्या है, ताहता, हम पढ़ते हैं ना बार बार, ताहती मिन ताहती ताहती अल अनहारु खालिदीना फिया, ताहती मतलब नीचे, तो तहत का मतलब नीचे, फौका मतलब ऊपर, और बनाया हमने तुम्हारे ऊपर सब अन सेवन सात, शिदादा मजबूत, क्या सात मजबूत, आसमान सात मजबूत आसमान बना दिए, और बना दिए हमने तुम्हारे ऊपर सात मजबूत आसमान। अब ये सारी चीजों को गौर करते जाए, ठीक है, इमेजिन करते जाए कि ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की नेमतें हैं, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की वो बड़ी बड़ी कुदरतें हैं जिनको रोजाना हम अपनी आंखों से देखते हैं, रोजाना उसका मुशाहिदा कर रहे हैं, रोज ऑब्जर्व कर रहे हैं, अल्लाह सुबहानहु तआला फरमा रहे हैं कि इतनी बड़ी बड़ी चीजें करने पर हम कादिर हैं, तुम्हारे लिए रात दिन के रात दिन को क्या कर दिया, तुम्हारे लिए एक के पीछे एक चला दिया, तुम्हारे ऊपर सात मजबूत आसमान बना दिए, तुम्हारी नींद इट्स सच अ ग्रेट मिरेकल, कितना जबरदस्त है ये नींद का मामला, आप पूरे दिन सोते रहेंगे नहीं मामला आपका सही होने वाला, आप रात को अपनी नींद पूरी कर ले आप सुबह को फ्रेश हो जाते हैं, ऐसे जैसे कि रिचार्ज हो गए हो जाते हैं ना,
ये अल्लाह ने फरमाया तुम्हारी आराम का जरिया हमने तुम्हारी नींद को बनाया, यानी नींद लेने से तुम क्या हो जाते हो, तुम्हारे अंदर वो एनर्जी, वो ताकत, वो एडीपीज एटीपीज आ जाते हैं कि तुम दोबारा से फिर नए दिन के काम को, नए कामों का आगाज कर लेते हो, और ऐसा लगता नहीं है कि पिछले दिन की जो थकान है अब भी बाकी है। तो ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की बहुत बड़ी क्या है, नेमत है। और नींद का बार बार आना और जाना ये भी एक बहुत बड़ा मोजजा है, यानी अल्लाह ने क्या कहा, मौत के बाद उठना है, रोजाना तुम उठते हो, रोजाना एक तुम्हारा मिनी रेजरेक्शन होता है, रोजाना तुम सोते हो, अल्लाह तुम्हारी रूहें कब्ज करता है। हमने पढ़ा ना पिछली सूरह में कि अल्लाह अपने पास रूहें निकाल कर ले लेता है, फिर कुछ रूहों को सुबह में लौटा दिया जाता है और कुछ रूहों को वो अपने पास ठहरा लेता है, बस अब तुमने और ज्यादा नहीं जीना। एंड इट्स नॉट नेसेसरी कि वो रात में ही हो, कि जब बंदा सोया तो कभी कभी वो सोना उसका हमेशा का सोना हो जाता है, और जब वो क्या होता है, कभी कभी ऐसा होगा जैसे कि हम रोजाना ऐसे कर रहे हैं, रोजाना सोते हैं और फिर सुबह को उठ जाते हैं। तो मौत क्या है, पूरी नींद, और नींद क्या है, आधी मौत। तो अल्लाह सुबहाने तआला ने यहाँ पर कहा जरा अपनी नींद पर गौर करो, तुम्हारा कैसा हमने रिफ्रेश होने का, आराम का जरिया बनाया, फिर जरा अपनी रात पर गौर करो, अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत 2400 घंटे तुम्हारे ऊपर ये सूरज तना हुआ रहता कहाँ तुम आराम कर पाते। देखिए बंदा कितना भी अपनी लाइट्स वगैरह सब ऑफ करके सोए, जरा सा सूरज की किरण भी आती है ना, आँख खुल जाती है, खुलती है कि नहीं खुलती है, ये अल्लाह ने नेचुरली उसके अंदर वो सिफत रख दी है कि वो जगा ही देता है लोगों को। अगर वो हर वक्त हमारे सरों पर हर वक्त ऐसे ही रहता सूरज, तो क्या होता, आराम कर पाते हम, कभी भी नहीं कर पाते। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का क्या है, इनाम है रात, कि उसमें क्या करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत आराम का जरिया बनाया उस रात को, और तुम्हारे दिन को तुम्हारे माश का जरिया, ये भी अल्लाह की नेमत है। अगर रात ही रात कर दे हमेशा, तो इतने सारे काम है जो सूरज के ऊपर डिपेंडेंट है, हमारा जो जो दरख्तों का फोटोसिंथेसिस है, हमारे लिए भी, खुद के लिए, हमारी हड्डियों के लिए, इन तमाम चीजों के लिए किसकी जरूरत होती है, धूप की जरूरत होती है ना, विटामिन डी की जरूरत होती है, तो ये सब कहाँ से आता है, सूरज से आता है। अल्लाह ने फरमाया तुम्हारा दिन भी तुम्हारे लिए क्या है, एक बहुत बड़ी नेमत है जिसमें तुम अपने रोजी रोटी कमाते हो, अगर इसको भी रात ही रात बना देते तो क्या करते, फिर तुम आराम ही करते रह जाते, फिर कब खाते, कब उठते, कब बोते, कब फसलें उगाते और कब तुम अपने मामलात को दुरुस्त करते। तो हमने तुम्हारे दिन को तुम्हारे लिए माश का जरिया बना दिया, तुम्हारे ऊपर 7 मजबूत आसमान बना दिए। इन तमाम चीजों पर गौर करते चले, अल्लाह ने इससे पहले क्या कहा, अभी आगे कहेंगे, तो अल्लाह सुबहानहु ताला के तुम्हें बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है, मैंने तुम्हारे ऊपर 7 आसमान बनाए और उसका निजाम भी चला रहा हूँ, उसकी तदबीर भी कर रहा हूँ, और ये ऐसा वैसा निजाम नहीं है। क्या देखा था, ग्रेविटेशनल पुल वाली बात देखी, कि अल्लाह सुबहानहु ताला ने सारे कुल्लू फिल फल की यसबहून, हर कोई अपने अपने मदार में, अपने ऑर्बिट्स पर तैर रहा है, अगर वो उसके अंदर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड या फ्रैक्शन ऑफ कुछ भी अगर इधर का उधर हो गया, पूरा निजाम एक दूसरे से टकरा कर दरहम बरहम हो जाएगा। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के कदर, ये अंदाजे हैं जिसकी वजह से ये पूरा निजाम हस्ती बहुत बेहतरी और पूरे मुनज्जम तरीके से, ऑर्गेनाइज वे में, बहुत खूबसूरती के साथ चल रहा है। जहां अल्लाह का हुक्म होना होगा तो वो क्या कर देगा, सबको टकरा कर खत्म कर देगा। तो अल्लाह फरमाए जरा गौर करते चलो, कि वो जो कयामत है ना, वो जो बड़ी वाली जो न्यूज है जिसके बारे में तुम इख्तिलाफ कर रहे हो, वो अल्लाह को लाने में कुछ भी देर नहीं लगती। अल्लाह को हुक्म देना है, ए इसराफील फूंक दो, इसराफील अलैहि सलाम तो बैठे हुए हैं उस दिन से, जिस दिन उनके हाथ में वो ट्रम्पेट दी है, जिस दिन से उनके हाथ में वो दिया है, उस दिन से, हाँ वो बस क्या कर रहे हैं, बस लेकर बैठे हुए हैं, अल्लाह का हुक्म होगा कुन कर दो, और वो क्या कर देंगे, फूंक मार देंगे, फिर क्या है, फिर सब टकरा कर दरहम बरहम हो जाएगा, फिर ये पहाड़ उड़ते हुए दिखाई देंगे तुम्हें, ये जमीन अपनी जगह नहीं दिखाई देगी, जो जमीन के अंदर बोझ है सब निकाल कर फेंक देगी, और जो आसमान है, और फिर हमने समंदर के बारे में पढ़ा था, जैसे कि क्या बन जाएंगे, समंदर आग बन जाएंगे, पूरा पूरा समंदर भड़का दिया जाएगा, समंदर पूरा आग बन जाएगा। इमेजिन करें कितना बड़ी तादाद में समंदर है, 71% समंदर है पूरे पूरे अर्ज पर, और उसमें 29% जो है
बर है, खुशकी है, और वो उसके बनिस्बत अगर इतनी चारों तरफ वो आग दहक रही होगी, सर के ऊपर सूरज आ जाएगा, सोचे क्या गर्मी और क्या हैबत का आलम होगा, कितनी हौलनाकी वाला वो दिन होगा। जरा सा टेम्परेचर 39-40 पर हो जाता है तो हम कैसे पागल हो रहे होते हैं, कोई उल्टियां कर रहा है, कोई किसी को खाना हजम नहीं हो रहा है, कोई खाना ही नहीं खा रहा है, किसी को चक्कर आके गिर रहे हैं, किसी की नक्सीर फूट जा रही है, क्या हो रहा होता है, यही हो रहा होता है ना। जरा सा टेम्परेचर रेस करते हैं अल्लाह, है ना, अल्लाह सुबहान तआला। वो जैसे हमने सूरे उसमें पढ़ा था, हाँ सूरे कौन सी है, सूरे तौबा में जो वो तबूक के लिए निकलने के लिए कहा था अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कि सबको निकलना पड़ेगा, उन लोगों ने क्या कहा था, बहुत गर्मी है मत जाओ, अल्लाह ने क्या कहा था, ये गर्मी, इस गर्मी से डर रहे हो, जहन्नम की आग उससे भी ज्यादा गर्म है, उसको इमेजिन करो तुम्हारे काम आसान हो जाएंगे दुनिया में। तो अल्लाह सुबहान व तआला यहाँ पर फरमा रहे हैं, जरा मेरी इन तख्लीकात पर जरा अपने चारों तरफ नजर तो दौड़ाओ और उस पर गौर तो करो, हर जगह पर तुम्हें तुम्हारे रब की निशानियां मिलेंगी, हर जगह तुम्हें तुम्हारे रब के मुजजात मिल जाएंगे, कहाँ कहाँ किस किस को झुटलाओगे तुम कि ये भी मेरे रब ने नहीं किया, ये भी इसने नहीं किया, ये भी उसने नहीं किया, तुमने बनाए हैं क्या सात आसमान, तुमने पैदा किया है अपने आप को, तुमने ये रात और दिन का निजाम कायम किया है, कौन करने वाला है ये तुम्हारा रब करने वाला है, फिर भी तुम उसको झुटलाते हो, फिर भी उसकी नाफरमानियां करते हो, फिर भी कयामत तुम्हारे लिए कोई अहमियत नहीं रखती, तुम्हें तुम्हारी मौत का कोई खौफ नहीं, डर नहीं है। तो अल्लाह फरमा रहे जरा इन निशानियों पर क्या करो, तदब्बुर तफक्कुर करो। चले रिपीट करें, बिस्मिल्लाह रहमानिर्रहीम, आगे मजीद आयतें आ रही हैं अल्लाह की निशानियों में से, वजअलना सिराजं वहाजा, वा और जाला बना दिया ना हमने सिराज चिराग, वा खाजा रोशन चमकता हुआ, वहज कहा जाता है जिसके अंदर आग भी हो, तपिश भी हो, हरारत भी हो, गर्मी भी हो और चमक भी, उसको वहज कहा जाता है, ठीक है। और बना दिया हमने चिराग को रोशन और दहकता हुआ, कौन, सूरज। और सिराज किसको कहा जाता है, वो जो, हाँ लैम्प मतलब खुद की अपनी जाती रोशनी होती है, वो किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता। सिराज और मुनीर किसको कहा जाता है, हाँ रिफ्लेक्टेड लाइट को, जो किसी और से लेकर रोशन होता है। तो चांद जो है वो क्या है, मुनीर है, जो रोशनी लेता है सूरज से, और जो चांद सूरज है वो अपनी खुद की रोशनी से जलता है, खुद का पील है वो। और बना दिया हमने सिराज, खुद कफील मतलब सेल्फ डिपेंडेंट, हाँ कफालत कफालत करनी। और करनी हाँ हाँ नाम कफील यानी कफालत करने वाले, सिर्फ कफील रखते हैं, खुद कफील थोड़ी नाम रखते हैं। होते हैं नहीं ना, नाम नहीं रखते ना, बस सिर्फ कफील, वही तो हम बता रहे हैं ना आपको, सिर्फ कफील नाम रखते हैं, हाँ खुद कफील नहीं रखते। चलो और बना दिया हमने लैम्प यानी चिराग, वह हाजा रोशन दहकता हुआ, वह अनजलना, वह और अनजला नाजिल किया ना हमने, मिनल मुसिरातिन मा अन सज्जाजा, मिनल मुसिरातिन निचोड़ने वालियां, बदलियों से, मुसिरात असर से कहा, आइन स्वाद्रा असर कहा जाता है जूस को, जूस निकलता है ना जब बादल निचोड़ते हैं तो उसमें से जूस निकलता है, दैट मीन्स बारिश निकलती है। तो मुसिरातिन निचोड़ने वालियां यानी बदलियां, और नाजिल किया हमने बदलियों से मा अन पानी सज्जाजा, खूब बरसने वाला, का जीम जीम सज्जाजा, बहुत बरसने वाला पानी हमने नाजिल किया, यानी जैसे कि किसी ने बैठ कर ऊपर, जैसे हम कपड़े को कैसे निचोड़ देते हैं, जैसे ऊपर किसी ने बैठ के हम बादलों को स्क्वीज किया और निचोड़ने से वो पानी नीचे नीचे नाजिल हो गया। और नाजिल किया हमने, बरसाया हमने, मिनल मोसिरातिन निचोड़ने वालियों से यानी के बदलियों से, मा अन पानी सज्जाजा, खूब बरसने वाला। अब इस पानी से क्या हुआ,
لنخرج به حبا ونباتا لی تاکہ نون ہم خرجہ نکالے بھی اس سے حبن دانا و نباتا نباتات دانے یعنی کہ غلہ اور نباتات یعنی اسی پانی کے ذریعے سے انسان کو کیا ملتا ہے پلسز ملتے ہیں نباتات ملتے ہیں ویجیٹیشنز اور جو بھی ان کی جو بھی وہ ہوتی ہیں حبن غلہ گرین گرین اینڈ ویجیٹیشن ٹھیک ہے وہ ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا کرتا ہے اسی پانی کے ذریعے سے اور تاکہ ہم نکالیں اس سے اس پانی سے ہی کی ضمیر پانی کی طرف ہے پانی سے حبن غلہ و نباتا نباتن نباتات یعنی ویجیٹیشن ہری سبزیاں جو بھی ہوتی ہیں و جنات الفافا و اور جنات باغات الفافا لفافا لفاف یعنی کہ ہاں ایک دوسرے کے اندر جکڑ جانا تو گھنے گھنے باغات اور ہم نے اس پانی کے ذریعے سے کیا بنا دیے گھنے گھنے باغات بنا دیے اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا اب یوم الفصل کے بارے میں پچھلی آیت میں سورہ میں آیا کہ کیا ہے وَمَا أَدْرَاكَ يَوْمُ الْفَصْلِ اللہ نے پھر بتایا کہ کیا ہے فیصلے کا دن پھر اللہ نے فرمایا هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ یہ ہے فیصلے کا دن اللہ یہاں پر بھی اب اسی فیصلے کے دن کے بارے میں مزید معلومات بیان کر رہے ہیں اِنَّ بے شک یوم الفصلی فیصلے کا دن کانا ہے میقاتا مقررہ وقت پر میقات ہم کہتے ہیں نا وہ جو حج کے لیے جاتے ہیں عمرہ کے لیے جاتے ہیں میقات از واٹ ہاں ایک حد ہوتی ہے جہاں پر آپ احرام یا نیت کرتے یا احرام باندھتے ہیں تو میقات یا تو مقررہ وقت کو کہا جاتا ہے یا مقررہ جگہ کو کہا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر وقت کی بات ہو رہی ہے واؤ قاف تا اس کے روٹ لیٹر ہے وقت سے ہی بنا ہوا یہ ٹھیک ہے بے شک فیصلے کا دن ہے مقررہ وقت پر یعنی وہ فیصلے کا دن نہ تاخیر ہوگی نہ تقدیم ہوگی نہ ڈیلے کیا جائے گا نہ اس کو بیفور نہ آفٹر اللہ نے جو اس کا وقت مقرر کر دیا وہ فیصلے کا دن جب ہی واضح ظاہر ہوگا اور وہ فیصلے کے دن پھر کیا ہونا ہے یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا یوم جس دن یا وہ نفخہ پھونکا جائے گا پیش اور زبر پیسیو ہے پھونک دیا جائے گا سور میں ٹرمپٹ ول بی بلون جس دن پھونک مار دی جائے گی سور میں فتأتون فرتا تم وانوں سب عطا آؤ گے افواجا فوج در فوج گرو در گرو گروپ در گروپ جس دن پھونک پیش اور زبر پیسے پھونک مار دی جائے گی سور میں پھر تم سب آؤ گے افواجن فوج در فوج یعنی اللہ رب العزت اس فیصلے کے دن سارے کے ساروں کو اکٹھا کرنے والا ہے جیسے حشر میں اکٹھا کیا جائے گا وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا وَاور فُتِحَتْ فتح مطلب کھولنا اور فُتِحَتْ فیمیل ہے آسمان فیمیل ہے اسی لیے یہاں پر فُتِحَتْ تاکہ اوپر سکون آ رہا ہے اب آپ لوگ کہیں گے تاکہ اوپر سکون تو دکھ نہیں رہا تو یہ جو ہے اصل میں تاکہ اوپر سکون ہی ہے فُتِحَتْ ہی اصل ورڈ ہے لیکن جب آپ کو دو سکون مل جاتے ہیں سکون کے بعد سکون یا سکون کے بعد شد آ جاتا ہے تو پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے آپ نہیں پڑھ سکتے دو سکون کو تو کیا کیا جاتا ہے پہلے جزم کے نیچے زیر لگا دی جاتی ہے تو تا کے نیچے زیر آ گئی اب پڑھنا آسان ہے نا تو پڑھنے کا رول ہے ٹھیک ہے وہ فتحت پیش اور زیر پھر سے پیسے وہ پاس پیسے ماضی مجھول اور کھول دیے جائیں گے السماو آسمان اور کھول دیا جائے گا آسمان آسمان کو فکانت پھر کانت وہ کچھ دیکھیں پھر سے آ گیا تاکہ اوپر سکون کیونکہ سما جو ہے فیمیل ہے پکانت تو وہ ہو جائے گا اقوابا دروازے دروازے اس کا کیا مطلب ہے کہ قیامت کے دن یوم الفصل کے دن اللہ رب العزت جو فرشتے ہیں ان کا نزول ہوگا فوج در فوج تو وہ فرشتے جب اوپر سے آ رہے ہوں گے تو وہ آسمان ایسے ہو جائیں گے بن جائیں گے جیسے کہ اس کے اندر سے دروازے کھول دیے گئے ہیں اور سارے فرشتے نیچے کی طرف نزول کریں گے اور کھول دیا جائے گا آسمان پھر وہ ہو جائے گا جیسے دروازے دروازے ابوابن دروازے وسویرت الجبال فکانت سرابا اور سویرت سیر کرا دیے جائیں گے مطلب چلا دیے جائیں گے سیر کرانا یعنی چلا دینا پیش اور زیر آ رہا ہے پھر سے چلا دیا جانا پیسے میں چلا دیے جائیں گے الجبال پہاڑ فکانت پھر کانت ہو جائیں گے سرابا سراب مراج دھوکا یعنی ایسا ہوگا جیسے کہ وہ ہیں لیکن وہ ہوں گے نہیں ابھی ہم نے پڑھا کیا کیا ہو جائیں گے پہاڑ
रूई की तरह उड़ते फिरेंगे, रूई की तरह उड़ते फिरेंगे। यहाँ पर भी अल्लाह सुबहानहु ताला उसी को बयान कर रहे हैं कि ऐसे ही तुम्हारे आंखों के सामने सैर करते हुए फिरेंगे और वो हो जाएंगे जैसे कुछ चीज ही नहीं है, जैसे उनकी कोई बुकत ही नहीं है। वो इतने बड़े बड़े पहाड़ तुम्हारी आंखों से देखने से ऐसे लग रहे होंगे कि जर्रा, सराब की तरह। सराब किसको कहा जाता है? वॉट इज मिराज? डेजर्ट में जो वो रेत के जर्रे होते हैं ना, जब उस पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो वो क्या होते हैं, चमकते हैं। तो दूर से देखने में मालूम होता है कि वो पानी है, लेकिन जब उसके पास जाया जाए तो पता चलता है वो पानी वानी कुछ नहीं है, शराब था, धोखा था। तो वो क्या है, धोखे की तरह है, कुछ भी नहीं रहेगा। हजरत हाजरा रदी अल्लाह ताला, हजरत हाजरा, उनका क्या मामला था? यही कर रही थी ना वो, इसीलिए तो ऐसा हो रहा था उनके साथ। वो समझ रही है कि वो वहां पर क्या है, पानी है, वो चमक रहा था रेत का जर्रा और वो समझ रही थी पानी। वो जब जाकर पहुंचती तो वहां पर कुछ भी नहीं होता, शराब था, धोखा था, छलावा था। तो यहाँ पर अल्लाह ने फरमाया और सैर करा दिए जाएंगे पहाड़, फिर वो हो जाएंगे जैसे छलावे, जैसे के शराब, जैसे मिराज, जैसे धोखा। इन जहन्नम, पहले इतना रिपीट करें, अब जहन्नम का तस्करा बाद में करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन जहन्नम कानत मिरसादा लित्तागीन मआबा। इन्ना बेशक जहन्नमा जहन्नम कानत है मिरसादा, मिरसाद रसद घात में। जहन्नम जैसे कि कोई एक बिल्ली जैसे अपने चूहे के शिकार के लिए कैसे घात लगाकर बैठती है, वैसे ही जहन्नम अपने शिकार, अपने जहन्नमियों के लिए घात लगाए बैठी है। बेशक जहन्नम है एक घात में बैठी हुई है, किस किसके लिए? लितौगीना मआबा, लितौगीना तौगी सरकशों के लिए मआबा ठिकाना है। वो जहन्नम सरकशों का ठिकाना है और वो उन्हीं के घात में बैठी हुई है, मतलब उनकी ताक लगाकर बैठी हुई है कि जैसे वो आए और मैं उचक कर उनको क्या कर लूं, पकड़ लूं। उस दिन क्या पढ़ा हमने, जहन्नम को कितने फरिश्तों ने पकड़ा हुआ है? 19। यानी कि जो जहन्नम है छुड़ा छुड़ा कर भाग रही है, उनको थामा हुआ किसने है? 19 फरिश्तों ने उसको थाम कर रखा है कि वो निकल कर भाग ना जाए। लितौगीन मआबा सरकशों के लिए ठिकाना है वो जहन्नम। लाबितीना फीहा अहकाबा, लाबितीना लबसा रहेंगे, ईना वो सब रहेंगे, फीहा उसमें, अहकाबा हुकूक का प्लूरल है अहकाबा, मुद्दतो। अब इसके अंदर बहुत सारी मुफसरीन की राय है, कहा जाता है कि एक दिन यहाँ का जो यहाँ का वहां का जो एक दिन है यहाँ के हजार हजार सालों की बराबर है, और हजार हजार साल का जो एक दिन है उसको 80 टाइम जब मल्टीप्लाई किया जाए तो एक हुकुब बनता है। अब वो हुकुब नहीं कहा अल्लाह ने, अहकाब कहा, उसका भी प्लूरल कर दिया। सोचे इस दुनिया की जिंदगी कितनी है, 60-70-100 साल की, और ये 60-70 साल जब वहां पर जाएंगे तो अल्लाह से क्या कहेंगे, हम कितना रहे, कुछ दिन का कुछ हिस्सा कुछ घड़ी, सात एक दिन के कुछ हिस्सा कुछ घड़ी में रहे कुछ पहर रहे। तो यहाँ से इतनी बड़ी जिंदगी गुजार के जो जाएंगे वो कहेंगे कुछ पहर। अल्लाह फरमा रहे हैं वहां पर अहकाब हुकूम के भी प्लूरल में ये लोग रहेंगे, इसका मतलब कभी ना निकाले जाए, ठीक है? यानी यूं कहते हैं ना कि हजारों साल रहेंगे, इसका मतलब क्या सिर्फ हजार के बाद निकाल लिए जाएंगे, यानी उनकी इनफिनिट, यानी वो चीज हम काउंट नहीं कर सकते जितना वो रहने वाले हैं। लाबिसीना रहेंगे वो ही पीगा उसमें अहकाबा मुद्दतो, मुद्दतो मुद्दतो वो वहां पर रहने वाले हैं। कौन? सरकश लोग जहन्नम में रहने वाले हैं। ला यजूकूना फीहा बर्दं वला शराबा, ला नहीं या वो जूकू चखेंगे, वावनून वो सब नहीं, वो सब चखेंगे फीहा उसमें, किसमें, उस जहन्नम में। हाकी जमीर जहन्नम की तरफ जा रही है। बारिदन, बर्द बारिद ठंडे को कहा जाता है। वला शराब, और ना ही कोई पीने की चीज, ना ही कोई ठंडी चीज होगी वहां पर और ना ही कोई पीने लायक चीज होगी वहां पर। यानी हमने पीना भी देखा था, क्या होगा पीना वहां पर, और जख्मों का धोवन, जो जख्मों का धोवन यानी जख्म को धोने से जो वो पानी निकलता है वो पिलाया जाएगा,
या पीप पिलाई जाएगी या फिर खौलता हुआ पानी पिलाया जाएगा, पीने की ये चीजें होंगी। अल्लाह ने फरमाया नहीं वो चखेंगे उसमें कोई ठंडी चीज और ना ही कोई पीने की चीज, पीने लायक चीज। اللهم لا تجعلنا منهم الا حميما وغساقا والا سوائے حميما کھولتا ہوا پانی، وغساقا اور بہتی ہوئی پیپ، پیپ اور کھولتا ہوا پانی ان کو پلایا جائے گا، جزاء وفاقا، جزاء بدلہ ہے، وفاقا وفا کے ساتھ، یعنی پورا پورا یہی بدلہ ہے جو ان لوگوں نے کیا کیا تھا، سرکشی کی تھی، جزاء ہے بدلہ ہے وفاقا پورا پورا، انہم کانوا لا یرجون حسابا، انہا بے شک ہم وہ سب، کانوا وہ سب تھے، لا نہیں یا وہ واغن سب رجا را جیم حمزہ امید اوپ اور را جیم عین رجوع کرنا ٹو ریٹرن ہے نا، تو یہاں پر امید کی بات کی جا رہی ہے کہ بے شک وہ سب تھے نہیں وہ سب امید رکھتے تھے حسابہ حساب کتاب کے دن کی، ہاں ان کو اس چیز کے اوپر یقین ہی نہیں تھا کہ حساب کتاب جیسی بھی کوئی چیز ہماری ہونی ہے، تو ان کو اس چیز کا یقین نہیں تھا، بے شک وہ نہیں تھے کہ وہ امید رکھتے تھے، نہیں وہ سب امید رکھتے تھے حساب کتاب کے، حساب کتاب کی یا حساب کتاب کے دن۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو سرکش لوگ ہیں وہ وہاں پر مدتوں رہیں گے، کیوں رہیں گے؟ کیونکہ یہ ان کی جزا ہے، یہ ان کا بدلہ ہے، جیسے انہوں نے عمل کیے تھے، جیسے انہوں نے نافرمانی کی تھی، اور ان کو تو ایسا لگ ہی نہیں رہا تھا کہ بالآخر ہمیں مرنا بھی ہے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب بھی دینا ہے، جو بھی عمل کیے ہیں اس کے کیا ہونے والی ہے، اکاؤنٹیبلٹی ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وہاں پر ان کو کھانے پینے کو بھی ایسی کوئی چیزیں نہیں ہوں گی کہ نہ کوئی ٹھنڈی چیز ہے اور نہ ہی کوئی پینے کی چیز ہے۔ یہ دیکھیں وہ وہاں پر جو ہم نے سورہ آراف میں آئی تھنک ہم نے پڑھا تھا، کیا کہا تھا وہ لوگ جہنم والے، کیا کہہ رہے تھے؟ جنت میں سے کچھ تھوڑا سا دے دو، تھوڑا سا پینے کا پانی دے دو، تھوڑا سا کھانا دے دو، تو ہم کیا ہو جائیں۔ پھر وہ جو مالک ہے جو جہنم کے داروں کا، ان سے کیا کہتے ہیں؟ عذاب ختم مت کرو، تھوڑا سا کم کروا دو، کیا کہیں گے؟ منع کر دیں گے۔ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ کہیں گے ہاں آیا تھا، ہم نے سورہ ملک میں بھی پڑھا نا۔ تو وہ کیا کہیں گے؟ ہمارے پاس تو ڈرانے والا آیا تھا، بلکہ ہم نے ہی کیا کیا، ہم کو جھٹلا دیا۔ تو کہا کہ اب جھٹلا دیا تو اب جہنم میں کیا کرو؟ یہیں پر رہو، یہی تمہارا ٹھکانہ ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، چلیں رپیٹ کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 28، وکذبوا بآیاتنا کذابا۔ کون لوگ؟ یہ وہی توغین سرکشوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور ان سب نے جھٹلایا بھی آیاتنا، ہماری آیتوں کو، کذابا بہت جھٹلایا۔ جب بھی ڈبل ریپیٹ ہوگا اس کا مطلب اس کے اندر شدت اور انٹینسٹی بڑھ جائے گی، اور ان سب نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، کذابا بہت جھٹلایا۔ ویسے بھی شد کے ساتھ آ رہا ہے، تجدید کے ساتھ تو ویسے بھی انٹینسٹی بڑھ جاتی ہے، بہت جھٹلایا۔ وکل شیء احصیناہ کتابا، اور کل ہر شیء چیز، اور ہر چیز کو، احصا حصا شمار کیا ہے، گن لیا ہے، نہ ہم نے اس کو کتابا کتاب میں، کون سی ہے وہ ایک کتاب؟ لوح محفوظ۔ اور ہر چیز کو شمار کر رکھا ہے ہم نے اسے، کتابن ایک کتاب یعنی لوح محفوظ میں، مطلب ہر چیز کو، نیک ہو بد ہو۔ دنیا جب شروع ہوئی تھی وہاں سے لے کر دنیا کا جو خاتمہ ہو جائے گا اور جیسے بھی قدر ہوں گی، وہ سارا کچھ اللہ نے لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے۔ فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا۔ اور اگر اس کو ان کے کانٹیکس میں لیا جائے، توغین کے کانٹیکس میں، بیکاز ابھی آیتیں ان کی فنش نہیں ہوئی نا، اس کا مطلب نامہ اعمال، ان کے نامہ اعمال میں ان کی ہر چیز کیا کر دی اللہ نے؟ لکھ دی ہے۔ تو دونوں سینس میں، اگر اس کو جنرلی لیں آیت کو تو لوح محفوظ ہو جائے گا، لیکن اگر توغین کے کانٹیکس میں لیں تو یہاں پر نامہ اعمال جو اللہ نے اس کو کیا کر رکھا ہے، ان کے ایک ایک جھوٹ کو، ایک ایک مطلب انکار کو، سرکشی کو اللہ نے کیا کیا ہے؟ شمار کیا ہے ان کے نامہ اعمال یعنی ان کی کتاب میں۔ فذوقوا، اب کیا کہا جا رہا ہے؟ قیامت کے دن ہاں حکم دیا جا رہا ہے، پھر واولف تم سب ذوقوا، چکھو، فلن تو ہرگز نہیں، نزیدکم نون ہم زیادہ کریں گے، بڑھائیں گے، کم تم کو،
इल्ला सिवाय अजाबन अजाब में। आज क्या बढ़ेगा सर? अजाब बढ़ेगा। आज कोई माल दौलत और अमल कुछ भी नहीं बढ़ने वाला सिवाय अजाब के। फिर तुम सब चखो, फिर हरगिज नहीं हम ज्यादा करेंगे बढ़ाएंगे तुमको सिवाय अजाब में। अब यहाँ पर तौगीन के बारे में मुकम्मल हो गई बात, यहाँ से नेकोकारों के मुत्तकियों के बारे में बात आ रही है। इन्ना बेशक लिल मुत्तकीना मुत्तकियों के लिए परहेजगारों के लिए मफाजा फौज कामयाबी है। बेशक मुत्तकियों परहेजगारों के लिए कामयाबी है। हदाइक व आनाबा, हदाइक बागात है, हदीका का प्लूरल है हदाइक, बागात है व आनाबा और अंगूर है, इनब का प्लूरल है आनाब। हदाइक भी हैं, बागात भी हैं और अंगूर भी हैं। वकवाइब अचराबा, वकवाइब, कवाइब कहा जाता है द फुल ब्रेस्टेड मतलब उभरी छातियों वालियां, अतराबा अतराबा हम उम्र लड़कियां, यानी के मतलब अल्लाह सुबहान ताला उनके कुछ, हाँ वो जो कंपेनियंस है, देखे तावाबा तुराब से बना, तुरब का मतलब क्या होता है? मिट्टी, मिट्टी। हाँ हम उम्र कैसे कि जैसे ऐसा हो गया कि एक ही वक्त में मिट्टी से पैदा हुए, एक ही टाइम में मिट्टी से खेलने वाले, मतलब हम कहते हैं ना हमारे ये मतलब जिगरी है वो, हाँ तो जैसे कि मिट्टी में सेम उम्र के बच्चे एक साथ खेला करते हैं, उसे तुर्क से बनाए सेम उम्र वाली जो फीमेल्स होंगी वो उनकी कंपेनियंस होंगी। और अल्लाह ने कहा कि वो कैसी होंगी? फुल ब्रेस्टेड। और कवाइबा अतराबा, उभरी छातियों वालियां अतराबा, यानी कि हम उम्र सेम एज की, यानी वो भी 33 वो भी 33। वकासन दिहा, वकासन और जाम, दिहा का दहक छलक रहे होंगे, यानी ये मतलब देखे निशानी है ना खुशी की, जैसे कि अभी जैसे जो लोग काफिर और जो लोग शराब वगैरह पीते हैं वो क्या करते हैं? टकराते हैं, तो उसे चीयर्स करने में क्या होता है? वो जाम थोड़ा सा बाहर छलकता है। अल्लाह फरमा रहे हैं वो खुशी की जो निशानियां हम वहां पर प्रोवाइड करेंगे। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। और प्याले होंगे, और कासा हमने आपको क्या कहा था, किसको कहा जाता है? फुल ग्लास, जो कप भरे हुए होते हैं उसको कास कहा जाता है, अदरवाइज हम उसको खूब अकवाब कहेंगे। कासन भरे हुए जाम दिहा का छलक रहे होंगे, दिहा छलक रहे होंगे। ला यस्माउन फीहा लगवं वला किज़्ज़ाबा, ला नहीं या वो वानु सब समा सुनेंगे। फीहा उसमें, किसमें? जन्नत में, उस जन्नत में, उसमें जन्नत में लगवन, कोई लव फजूल बात, नो गॉसिप, नो चुगली, नो कीना, नो बुराई, कोई फजूल बात उसमें नहीं होगी। वला किज़्ज़ाबा, ना ही कोई झूठी बात होगी। What they are doing? बंद कर सकते हैं? जज़ाकअल्लाह खैर। नहीं वो सब सुन, क्योंकि हमसे ज्यादा ऐसा लग रहा है वो आवाज ज्यादा नहीं वो सब सुन, मिक्स हो जाएगा ना फिर आप लोगों के लिए, इसलिए वो नहीं चाह रहे हम। नहीं वो सब सुनेंगे उसमें, उस जन्नत में, कोई लगव, कोई फजूल, मतलब बेमाना फजूल बात, और ना ही कोई झूठी बात। जजा मिन रब्बिका अता हिसाबा, जजा बदला है, मिन रब्बिका तुम्हारे रब की तरफ से, आपके रब की तरफ से, अता अतिया है, अतिया मतलब गिफ्ट है, हिसाबा हिसाब किताब से, नपा तुला तुम्हारे लिए गिफ्ट है, बदला है तुम्हारे रब की तरफ से, और अतिया है हिसाब के साथ, किफायत करने वाला। सॉरी हसाबा का एक तर्जुमा होता है हिसाब किताब, एक तर्जुमा होता है सफ टू सफाई, काफी होना। तो ऐसे अतियात मिलेंगे, क्योंकि हिसाब किताब से बोल देंगे तो फिर अल्लाह ने जन्नत में हिसाब किताब तो नहीं रखा ना, अल्लाह ने बेतहाशा चीजें दी हैं। अतिया है किफायत कर जाने वाला, पूरा पड़ जाने वाला, ऐसी चीजें दी जाएंगी जो तुम्हारे लिए काफी हो जाएंगी, तुमको फिर ऐसी तलब नहीं लगेगी कि मैं इससे महरूम हूँ या इस चीज से महरूम हूँ, कोई महरूमी वहां नहीं होगी, वहां पर हर चीज सफिशियंट हो जाएगी, काफी हो जाएगी। رب السماوات والارض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا। अब यहाँ पर इंटरसेशन की बात आ रही है। رب السماوات, رب है आसमानों का, والارض और जमीन का, وما بينهما और जो कुछ उन दोनों के दरमियान, किन दोनों के?
आसमानों और जमीन के दरमियान जो कुछ है उसका भी रब है, वो रब है आसमानों का भी और जमीन का भी और जो कुछ उन दोनों के दरमियान है उसका भी रब कौन है? अर रहमान। ये इतनी सारी जो सिफतें बयान की गई हैं ये रहमान ही की वजह से हमें सारी रहमतें नसीब हो रही हैं। अल्लाह ने फरमाया ये रहमान ही है जो रब है इन तमाम चीजों का। ला यमलिकूना, ला नहीं या वो वाउन सब मलका मालिक हैं। मिनहु उससे यानी उस दिन खिताबा खिताब करने के, उस दिन कोई भी इख्तियार नहीं रखेगा बात करने का। किस दिन? पिछली सूरह में बयान किया ना, जबाने बंद हो जाएंगी और क्योंकि इजाजत नहीं दी गई तो अल्लाह ने फरमाया उस दिन किसी का कोई भी मालिक नहीं है उससे खिताब करने का, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत से उस दिन कोई बातें नहीं करेगा, बोलेगा नहीं, जबाने सबकी गूंग हो जाएंगी, चुप हो जाएंगी। क्यों? इजाजत नहीं मिली है अभी तक। ठीक है, अल्लाह फरमा रहे हैं कि रब है आसमानों और जमीन का और जो कुछ उसके दरमियान रहमान है, रहमान ही उसका रब है। नहीं वो सब मालिक होंगे उससे खिताब, खताब खुतबा से बनाए, खिताब यानी बात करना, बात करने के, खिताब करने का कोई भी मालिक या इख्तियार नहीं रखता होगा। यौम यकूम अर्रूह वल मलाइकतु सफ्फा ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़िना लहु अर्रहमान व क़ाला सवाबा। यौमा, जिस दिन, या वो कुमु खड़े होंगे, कौन? अर्रूह, खास रूह, कौन सी रूह? जिब्रील अलैहिस्सलाम, वल मलाइका और फरिश्ते, फरिश्तों में जिब्रील भी आ जाते हैं अलैहिस्सलाम, लेकिन अर्रूह को स्पेसिफिकली बिकॉज ही इज द हेड ऑफ ऑल, वो क्या है, उन सबको मैनेज करने वाले हैं, मैनेजर हैं, इसलिए अल्लाह ने ऑनररी तौर पर, इज्जत के तौर पर उनका नाम अलग से लिखा, बिकॉज वो वही लाने का काम किया करते हैं, उनका जॉब जो है सबसे हटकर है। अल्लाह ने फरमाया उस दिन खड़े होंगे जिब्रील अलैहिस्सलाम, अर्रूह जो खास रूह यानी जिब्रील अलैहिस्सलाम, रूहुल कुद्स और मलाइका और फरिश्ते भी सफा सब बांधे हुए। किसी बादशाह के सामने कैसे सारे रियाया खड़ी होती है सब बांधकर, सर झुकाकर, वैसे ही उस दिन सारे फरिश्ते, क्या हर इंसान भी उस दिन सब बांधा हुआ रब के सामने खड़े हुए होंगे। ला यतकल्लमूना, ला नहीं या वो वाउनून सब तकल्लम करेंगे, बात करेंगे, कलाम करेंगे, इल्ला सिवाए मन, जो अजीना इजाजत दी गई, इज्न दिया गया, इजाजत देगा, सॉरी इजाजत दिया गया नहीं, इजाजत देगा, पेश नहीं है, जबरी है, सॉरी, नहीं वो कलाम करेंगे, नहीं बात करेंगे, सिवाय जो इजाजत देगा उसको, जिसको इजाजत देगा उसके लिए अर रहमान, रहमान, रहमान जिसको इजाजत दे दे बस वही क्या कर सकेगा, कलाम कर सकेगा, बाकी सब खामोश खड़े होंगे उस दिन। अर रहमान वकौला सवाबा, और वो कहेगा सवाबा, व और काला कहेगा सवाबा, सीधी सीधी बात, यहाँ पर भी कोई लकी कोई बात नहीं कर सकेगा, ना कोई बनाकर, कोई अभी कहा ना या ला या, नहीं वो सब माजरत पेश कर सकेंगे, कोई उज्र, कोई बहाने, कोई झूठी बात, कोई लगव बात, कोई अल्लाह सुबहान तआला के सामने कोई एक्सक्यूज, कोई पार्डन उस दिन नहीं चलने वाला। जो अल्लाह हुक्म देगा, जैसा हुक्म देगा, बस वही बात निकलेगी और सही दुरुस्त बात ही निकलेगी जबानों से। चले रिपीट करें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आयत नंबर 39, ذلك اليوم الحق فما شاء اتخذ الى ربه مآبا। ذلك ये है, اليوم आज का दिन या ये दिन है हक, सच्चा दिन है। فمن فاخر من जो शाह चाहे, اتخذ बना ले, अखज कर ले, الى ربه उसके रब की तरफ, अपने रब की तरफ, مآبا ठिकाना, ये दिन हक है, सच्चा दिन है, फिर जो चाहे बना ले अपने रब की तरफ ठिकाना। मतलब अल्लाह ने ये तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया, तुम्हें इख्तियार दे दिया, तुम्हें शऊर दे दिया, तुम्हें हिदायत अता कर दी, तुम्हें अल्लाह ने फरमा दिया कि जब भी मेरे बाद ए आदम, मैं तुमको दुनिया में तो भेज रहा हूँ लेकिन मेरी हिदायतें आती रहेंगी, फिर जो उनकी पैरवी करेगा उसको मैं क्या करूंगा, जन्नत में दोबारा दाखिल कर दूंगा। जन्नत में से निकाले गए हो, अब कमा कर आओ जन्नत। ठीक है, ये वहां पर हमने पढ़ा था सूरह बकरा में कि अल्लाह सुबहान तआला ने कहा ए आदम, उतार तो रहा हूं मैं तुमको,
लेकिन मैं क्या करता रहूंगा, वक्तन फवक्तन, वक्फे वक्फे से गाइडेंस भेजूंगा लोगों के जरिए, किताब के जरिए, किसी इंसान के जरिए, किसी निशानी के जरिए, किसी भी जरिए से तुमको हिदायतें भेजता रहूंगा, और जो मेरी हिदायतों की पैरवी करेगा, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना खौफ होगा उन पर ना वो गमगीन होंगे। इसका मतलब क्या, वो अहले जन्नत में होंगे, वो अहले जन्नत होंगे, अहले जन्नत में शामिल होंगे। तो अल्लाह सुबहानहु तआला यहाँ पर क्या फरमा रहे हैं कि जो चाहता है तुम्हें, जिसको भी चाहिए अपने रब की तरफ आना चाहता है वो आ जाए। तुम्हारे रब ने तो क्या किया, रास्ते खुले रखे हैं, बस ये है कि फिर दुनिया में रब की मान के चलनी पड़ेगी। जब तुम मेरे पास आओगे फिर तुम अपनी मनमानी करना, दुनिया में मनमानी कर लोगे तो वहां पर मनमानी नहीं कर सकते, वहां पर अल्लाह की चलेगी। एक जगह अल्लाह की चला लो, अल्लाह के, अल्लाह ने क्या कहा, यश्तहून, अभी पढ़ाना हमने, वो फवा के, वहां पर फवा के फल होंगे जो वो चाहेंगे। मतलब अल्लाह ने सारी विल, सारी ख्वाहिश जन्नत के लिए दे दी है, तो अगर हम उस ख्वाहिश को दुनिया में इस्तेमाल कर लें तो जन्नत में या दुनिया के बाहर जाकर यानी आखिरत में उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो अगर दुनिया में जो इख्तियारात हैं उसको अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इस्तेमाल किया जाए तो आखिरत में अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें छूट दे देंगे, जो चाहिए खाओ, जो चाहिए पियो। और अल्लाह सुबहान तआला यहाँ पर कोई रोक टोक नहीं है। आदम अलैहिस्सलाम को कहा था ना, ये पेड़ नहीं, कहा था ना जन्नत में, जन्नत में जब तुम कमा कर जाओगे वहां कोई पेड़ वेड़ से रुका रुका जाएगा नहीं। जो खाना है खाओ, जो पीना है पियो, अपनी नहरें लेकर चले जाओ, जहां कहीं जाना चाहते हो चले जाओ, अपने घर शिफ्ट कर लो, तुम ऊपर जाना चाहते हो अपने वालिदैन से मिलने ऊपर चले जाओ, इट्स अप टू यू, जहां तुम जाना चाहते हो अपनी मर्जी से तुम पूरी जन्नत में तैर फिर सकते हो, सैर कर सकते हो। यहाँ पर कहा जो चाहता है, यानी विल फिर से किसको दे दी, बंदे को, बंदे को थमा दी, इख्तियार तुम्हारा है, चाहत तुम्हारी है। अगर तुम चाहते हो मेरी तरफ आना तो यकीनन मैं भी तुम्हारी तरफ आना चाहता हूँ, तुम मेरी तरफ नहीं आना चाहता, तुम चाहते तो मैं भी नहीं आना चाहता, शुरुआत तुमको करनी पड़ेगी। तुम किसकी तरफ आना चाहते हो, मेरी तरफ या मुझसे दूर, जो तुम शुरू करोगे वैसे ही मैं तुम्हारे साथ रिस्पॉन्ड करूंगा। तो अल्लाह ने फरमाया ये दिन है हक, यानी जो अल्लाह ने बयान कर दिया जिसमें किसी को इख्तियार नहीं, किसी को यारा नहीं कि वो मुंह से जबान से कोई अल्फाज भी निकाल सके, अल्लाह फरमा रहे यही तो हक दिन है। ये जो दुनिया है तो शराब है, धोखा है, कुछ नहीं है, मिराज की तरह है, आंख बंद हुई असल दुनिया सामने आ जाएगी। अल्लाह ने फरमाया ये दिन है हक, फिर जो चाहे बना ले अपने रब की, उसके रब की तरफ महाबा ठिकाना। इन्ना अंजरनाकुम अज़ाबन करीबन, इन्ना बेशक, इन्ना बेशक, ना हम, अंजरा डराते हैं, ना हम खबरदार करते हैं, हम कुम तुमको आगाह करते हैं, हम तुमको अज़ाबन करीबन, एक करीब के अजाब से, वो करीब आ लगा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं जान कयामत और मैं इन दो उंगलियों के बराबर हैं, बराबर बराबर। तो नबी जब यूं कह रहे हैं और आदम अलैहिस्सलाम कहते कहा करते थे कयामत करीब है, कयामत करीब है, सोचे हमारे कितने करीब होगी वो कयामत। अल्लाह ने फरमाया हम तो तुम्हें क्या कर रहे हैं, आगाह कर रहे हैं, वॉर्न कर रहे हैं तुमको एक करीब आ लगे अजाब के बारे में। यौमा यंजुरुल मरऊ, यौमा जिस दिन, या वो नजरा देखेगा, अल मरऊ आदमी या इंसान या शख्स, जिस दिन देखेगा आदमी इंसान, मा कद्दमत, मा जो कद्दमत आगे भेजा, यदाहु उसके हाथ से, जो उसने अपने हाथ से आगे भेजा वो अपने आमाल को देख लेगा। और यूं भी कहा गया है कि वो बाकायदा फिजिकल फॉर्म इख्तियार कर लेंगे जो उसकी नेकी और बदी है, जो नेकियां वो सवारियां बन जाएंगी जो उसके नीचे आ जाएंगी, और जो मतलब उसके ऊपर वो ट्रैवल कर सकता है, और जो उसकी बदी है वो उसके ऊपर बोझ बनकर लद जाएंगी। तो अल्लाह ने फरमाया कि देखेगा उस दिन आदमी इंसान जो आगे भेजा उसके हाथ में, यदा दोनों हाथों ने जो उसके आगे भेजा, अलिफ आ गया ना दोनों हाथों ने, यदानी था आनी और ऐनी, नून ड्रॉप हो गया, उसके दोनों हाथों ने जो आगे भेजा वो उस दिन देख लेगा। वह यकूल अल काफिर, वह और या वो कुलू कहेगा, अल काफिर काफिर, काफिर कहेंगे, कुफ्र करने वाले, इनकार करने वाले कहेगा, या लैतनी, हाय अफसोस मुझ पर, हाय खराबी मेरी, हाय अफसोस मुझ पर, कुंतु
कुन होता तू मैं तुराबा मिट्टी, काश कि मैं मिट्टी होता, हाय अफसोस मुझ पर, हाय काश कि मैं मिट्टी हो जाता। ये कब कहेगा? अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएंगे, पहले इस आयत को देखें, बेशक हम डरा रहे हैं, हम आगाह करते हैं तुमको एक करीब आ लगे अजाब के बारे में, एक करीब के अजाब से तुमको आगाह कर रहे हैं, हम डरा रहे हैं हम तुमको अजाबन करीबन करीब के अजाब के बारे में। यौमा, जिस दिन देखेगा आदमी या इंसान जो आगे भेजा उसके दोनों हाथों ने, और कहेगा काफिर, हाय अफसोस मुझ पर, या हाय काश मैं हो जाता मिट्टी, तुराब मिट्टी। अब यूं होगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जिस बकरी ने दुनिया में सींग वाली बकरियों ने बगैर सींग वाली बकरियों को क्या किया है, मारा है, अल्लाह क्या करेंगे, उल्टा मामला कर देंगे, उसको कयामत के दिन सींग दे देंगे और इसके सींग गायब कर देंगे, कहेंगे मारो, वो बकरी मार देगी। फिर ऐसे ही सारे जो जानवर होंगे उनके हिसाब किताब हो जाएंगे, जो किसी को थोड़ी बहुत अजियत या लड़ झगड़ गए हैं वो जानवर, वो सब उनके हिसाब किताब अल्लाह निपटा देंगे। अब जब वो हिसाब किताब निमट जाएंगे, अल्लाह क्या फरमाएंगे, कुन तुराबन, हो जाओ मिट्टी। तो ये माजरा कौन देख रहे होंगे, काफिर लोग, कि इनकी तो बड़ी अच्छी रही, क्या हो गए, हिसाब किताब खत्म, मिट्टी हो गए, खत्म हो गया मामला, काश मुझे भी ऐसा कर दिया जाता, काश मैं भी मिट्टी हो जाता। और हमने पिछली सूरों में क्या पढ़ा था कि काश ये हिसाब किताब का दिन ही ना होता, काश मुझे नामा यामाल मेरा दिया ही ना गया होता, काश ये जो मरने वाला दिन यही फैसले का दिन होता, यानी मौत ही क्या कर देती, फैसला कर देती, इसके बाद दोबारा उठाया जाने का दिन ना होता। तो उस दिन बहुत सारे अफसोस की चीजें हैं ना, वो यौमुल हसरत होगा, यौमुल हसरत यानी पशेमानी, अफसोस, हसरतों का दिन होगा, रिग्रेट, हर कोई निदामत, हर कोई पछतावे दिखा रहा होगा, हाय काश मैंने ये कर लिया होता, हाय काश, नेकोकार भी पछता रहे हैं, बदकार भी पछता रहे हैं, बदकार तो यूं पछता रहे हैं, हाय काश क्या कर लिया होता, ना फरमानी ना की होती, फरमा बरदारी कर ली होती। नेकोकार कह रहे होंगे, हाय काश वो जो नेकी तो मिल गई लेकिन और बुलंद दर्जे मिल जाते, थोड़ी सी और अल्लाह की फरमा बरदारी कर जाते, थोड़े से और डीड्स कमा लेते, थोड़े से और अमल ऐसे होते जिससे हमारे दर्जात बुलंद हो जाते। हर कोई अफसोस कर रहा होगा उस दिन। तो अल्लाह फरमा रहे हैं, काफिर कहेगा काश मैं भी इन जानवरों की तरह क्या हो जाता, मिट्टी हो जाता, तो मेरा भी क्या होता, हिसाब किताब का कोई मामला ही नहीं होता और मैं पूरी तरह फना हो जाता। तो वो यौमुल हसरत आने के दिन से पहले पहले अल्लाह ने क्या कह दिया कि बना लो मेरी तरफ आने का ठिकाना, और ठिकाने के लिए मैंने क्या बता दिया तुमको, तरीका बता दिया, क्या है तरीका, हबलुन, हबल रस्सी, ये रस्सी है ना, अल्लाह रब्बुल इज्जत की अता करदा रस्सी कुरान करीम, इसके जरिए से और सुन्ना के जरिए से क्या कर जाओ, अल्लाह की कुर्बत पा लो, अल्लाह के पास जाने का ठिकाना बना लो। हमने वो दुआ पढ़ी थी ना हजरत आसिया रदी अल्लाह, हजरत आसिया की क्या थी वो, रब्बिबनी ली इंदका बैतन फिल जन्ना, ए रब अपने सामने अपने पड़ोस में मुझे एक जन्नत में घर अता कर दो। चाहते हैं ना हम जन्नत में घर, तो ड्रीम जैसे होते हैं वैसे थोड़ा वर्कआउट भी करना पड़ता है ना, जैसे दुनिया में भी अगर हम गोल सेट करते हैं, किसी ने मेडिसिन का गोल सेट किया, किसी ने लॉ का गोल सेट किया, किसी ने आईएएस आईपीएस बनना है, और आईएएस आईपीएस जिसको बनना है वो लंबी तान के सो रहा है, हो जाएगा वो आईएएस आईपीएस, उसकी तो नींदें हराम हो जाती हैं, उसको 24 घंटे में से 20 घंटे पढ़ाई करनी पड़ती है, 4 घंटे होते हैं जो उसके अपने अख्तियार में होते हैं, तो वो 20 घंटे देगा जब जाके वो दुनिया में आईएएस और आईपीएस बनेगा, तो वो दुनिया की इतनी छोटी छोटी डिग्रीज कमाने के लिए इतनी मशक्कत, इतनी कड़ी कड़ी मेहनतें करनी पड़ती हैं, वो जो जन्नत है परमानेंट उसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, अल्लाह ऐसे ही दे देगा कि भाई आओ और ले जाओ जन्नत, क्योंकि तुमने क्या कहा था, ला इलाहा इल्लल्लाह, इतना सस्ता है जन्नत कमाना, अल्लाह ने तो आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाल दिया, जाओ अब आप भी कमा कर आओ, आपको जन्नत ऐसे नहीं मिलनी, अब आप हर किसी को कमा कर आना पड़ेगा जन्नत। तो अब जन्नत कमाने के लिए अल्लाह ने क्या फरमाया कि तुम सब गिरवी रखे हुए हो, अपनी जानें छुड़ाओ, कैसे छुड़ाओगे जन्नत, अमाल के जरिए, अमाल लेकर आओ जन्नत ले जाओ, तो दुनिया में जो कर लिया है जो अमल करोगे उसके मुताबिक अल्लाह रब्बुल इज्जत आप फरमा देंगे, अता कर देंगे ठिकाने, और जो ठिकाना चाहिए उसके मुताबिक क्या चाहिए, अमल चाहिए। चलें रिपीट करें, मिनाज आप कर लें, करो ना, देख के करो, दे दो
देख के पढ़ लेंगे। चलो पढ़ो, देख के पढ़ो। क्या हुआ? अरे उसके पास वो है ना, इंग्लिश में पढ़ लो जरा, इंग्लिश वाला दो इसको, इंग्लिश वाला दो जल्दी से। चल आयत नंबर 39, जालिकल यौमुल हक। चले देखें इधर, देखें ये दिन है हक। देखें जल्दी से यहाँ पर देखिए, ये दिन सच्चा दिन है, हक दिन है, ये दिन सच्चा है। फिर जो चाहे, फिर जो भी चाहे बना ले, अखज कर ले अपने रब की तरफ ठिकाना। ये दिन है सच्चा, फिर जो चाहे बना ले अपने रब की तरफ ठिकाना। बेशक हम डराते हैं तुमको करीब के अजाब से, जिस दिन देखेगा ना जरा, देखेगा अलमरू इंसान माँ कदमत, जो आगे कदम आगे बढ़ते हैं ना, जो आगे भेजा उसके हाथों ने, और कहेंगे काफिर हाय अफसोस, ऐ काश मैं हो जाता मिट्टी। चल रिपीट करें, जो बढ़ाते हैं पढ़ दें। हाँ ये बोलो, ये सच्चा है। والفهم له والمعرفة بمعانيه والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن اللهم اغفر لنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم اهدنا بالقرآن اللهم ارزقنا بالقرآن اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن عمتك ناصية بيدك ماض في حكمك عدل في قضائك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين رب اجعل هذا بلدا آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم انا نسالك الجنه الفردوس ونعوذ بك من النار اللهم انا نسالك الجنه الفردوس ونعوذ بك من النار اللهم انا نسالك الجنه الفردوس ونعوذ بك من النار
اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره اللهم انا نسالك من فضلك العظيم اللهم اني اعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوه لا يستجاب لها اللهم انا نعوذ بك من عذاب القبر وعذاب جهنم ومن فتنه المحيا والممات ومن شر فتنه المسيح الدجال اللهم اني اعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامه ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي مغفره من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير ربي اوزيني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه واصلي لي في ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين فاطر السماوات والارض انت ولي في الدنيا والاخره توفني مسلما والحقني بالصالحين رب اني لما انزلت الي من خير فقير ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اجعلنا من اهل الجنه الفردوس ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واخر الدعوانا ان الحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم امين يا رب العالمين جزاكم الله خيرا كثيرا.